नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कोई भी टेक्नीशियन के लिए एलईडी एलसीडी रिपेयर करने के लिए जरूरी टूल्स होता है कि एक प्रोग्रामर, क्योंकि अगर कोई एलईडी टीवी खराब हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम उसका बैकअप लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमको वापस करना है तो उसी कंडीशन में हमको वापस करना है, तो उसका बैकअप फाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक प्रोग्रामर के बारे में देखने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, मेरे को बहुत खुशी है और आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग को दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा होता है, क्या कि जो वर्कशॉप है मेन रोड में है और इसीलिए ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वर्कशॉप में डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी मेरे चैनल में आके जो भी वीडियो देखोगे तो टिपिकली फॉल्ट फाइंडिंग रहेगा, जो कि आपको फॉल्ट का सीधा सीधा फाइंडिंग रहेगा और आप लोग उसको देख के अगर सेम फॉल्ट है तो आप आराम से कर पाओगे और कुछ भी नॉलेज आपको मिल सकता है। आशा करता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँ और आप लोगों के साथ साथ करता रहूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। तो आप लोग का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, लेकिन टाइम के शॉर्ट के कारण से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कम से कम जवाब देता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का फॉल्ट का हिसाब से मैं कुछ वीडियो बना के डाल सकूँ। और दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहो और मैं जो भी फॉल्ट मिलेगा, जो फॉल्ट फाइंडिंग होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर हमारा आज का वीडियो में चलते हैं। हमारा टॉपिक है तो कोई भी एलसीडी एलईडी बनाने के लिए टूल्स में प्रोग्रामर एक टूल्स है जो कि हमको चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास है, तो देख पा रहे हो RT809F। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहले देखिए ये प्रोग्रामर है और ये है DGISP प्रोग्राम। इसमें ESB से कनेक्ट होगा और SPI जो प्रोग्रामर है, SPI से हमारा LCD LED से कनेक्ट करके हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर का एक खासियत कि टीवी को बिना खोल के भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये है जो यहाँ पे सॉकेट, हम लोग बिठा के भी प्रोग्राम को ऑफलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए और क्या क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो PCB दिया है, देख रहे हो, और यहाँ पे वायर लगाने के लिए एक सॉकेट दिया हुआ है और दो स्टिक दिया है जो कि 4 पिन का है, और यहाँ पे सोल्डरिंग होगा फिर यहाँ से प्रोग्राम करने के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो कि IC को यहाँ पे बिठा के हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम करने के लिए ये दिया हुआ है। फिर दोस्तों, ये है ICSP एडाप्टर है, इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों, ये दिया हुआ है VGA to VGA जो कि हम लोग ऑनलाइन, जो कि डायरेक्ट टीवी के साथ कनेक्ट करके, LCD LED TV के साथ कनेक्ट करके
और प्रोग्रामर से ऐसा कनेक्ट करके हम लोग सीधा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे यूएसबी केबल दिया हुआ है जो कि एक साइड यूएसबी केबल है और दूसरा साइड यूएसबी केबल है, ये टाइप बी में है, ठीक है। और यहाँ पे सीडी भी दिया हुआ है, सीडी ए और बी दो सीडी दिया हुआ है और इसमें सेटअप रहेगा जो कि RT809F का सेटअप फाइल और टूल चेन फाइल रहेगा और कुछ बायस प्रोग्रामर भी बायस प्रोग्राम फाइल भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट और ये वायर है ऐसा लगाने के लिए, ठीक है। और बाद में मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तो उस समय मैं बाकी सब दिखा दूंगा। और इसमें तीन सॉकेट दिया हुआ है दोस्तों, देख पा रहे हो, ये है SOP8 जो कि 200 ml का सॉकेट है और इसमें इपिरोम आईसी इसके अंदर डाल के इसको डालने का तरीका ये है कि ये दोनों को अगर ऐसा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे बिठाल के इसको छोड़ देना है, फिर इसको ये हो जाता है इपिरोम का एक नंबर पॉइंट और इसको अनलॉक करके यहाँ पे ऐसा बिठा के लॉक कर देना है, फिर प्रोग्रामिंग करना है दोस्तों। तो एक सॉकेट ये दिया है जो कि ML 200 का और ये सॉकेट दिया है दोस्तों SOP16 जो कि 16 पिन का इपिरोम लगेगा और ये ML 300 का है, ठीक है दोस्तों। और एक सॉकेट दिया हुआ है जो कि ML 150 है और SOP8 का है, यहाँ पे भी ऐसा प्रेस करके इपिरोम लगा के हम लोग आराम से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इतना कुछ दिया हुआ है दोस्तों, प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामर खरीदने से इतना कुछ हमको मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों तो मेरा जो टूल्स है और टूल्स को देखने के लिए या वहां से कुछ परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और वहां पे मेरा अमेजन का शॉप का भी लिंक हुआ है, उसमें भी आप जाके कुछ भी देख सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो दूंगा कि अच्छा अच्छा वीडियो फॉल्ट फाइंडिंग करके आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।